आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस पंचरत्न दाल, जिसे वहाँ पे बाटी के साथ खाया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसे रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी और स्पेशल रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पंचरत्न दाल ली है। दाल को हम अच्छे से धो देंगे 2 से 3 बार, जब तक उसका पानी बिल्कुल साफ नहीं हो जाता। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और उसके बाद पानी निकालने के बाद अब दाल को प्रेशर कुकर में डालिए, और मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी डाला है, लगभग 500 ml के आसपास, और इसे हम तकरीबन 4 से 5 सीटी दिलवाएंगे। तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ एक बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टमाटर की प्यूरी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 10 ग्राम घी, नमक स्वाद अनुसार, और पिंच मैंने यहाँ पे हींग लिया है। कढ़ाई को लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे। अब आप घी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल या रिफाइंड तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हींग डाल दिया है, साथ ही हम प्याज ऐड करेंगे, साथ ही हम जीरा ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब टमाटर की प्यूरी हम ऐड करेंगे, साथ ही नमक ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ मिर्ची बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब मसाला हो चुका है, जो हमारी दाल है वो उबल गई है। अब हम दाल को ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। एक बार चेक करेंगे, जो हमारी दाल है वो बिल्कुल बन चुकी है, तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और धनिया, फ्रेश धनिया लीव्स के साथ गार्निश करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।